सिक्योरिटी का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जिसको प्रॉब्लम है वो खर्चा करे। आपके बात नहीं मानी तो कैसे नहीं मानेंगे मेरी? अगर वो मेरी बात नहीं मानेंगे तो मैं उनको कह दूंगा कि भाई मेरे को नहीं चाहिए सिक्योरिटी, मेरे बच्चों को वाले से बाहर पढ़ाओ। ये आपकी वेस्पा की क्या कीमत होगी? बात किसकी भाई? की कीमत नहीं पूछनी है, हमें पैसे देने हैं, देने नहीं। लव स्टोरी ये लो। ये क्या हो क्या रहा है? तुम लोग आज स्कूल क्यों नहीं गए? पापा कल आपको बताया तू था। ये लड़की कैसे करके, यानी तूने कल ही फैसला कर लिया था कि आज स्कूल नहीं जाना? ओ पापा, हमने स्कूल की छुट्टी का नहीं, वो सिक्योरिटी चार्जेस का बताया था ना। अगर आज जमा नहीं करवाई तो स्कूल वाले में क्लास में नहीं बैठने देंगे। ये क्या बात हुई, इन्हें हम स्कूल की सिक्योरिटी फीस काय को दें? इसलिए कि हम इसमें पढ़ने जाते हैं। ये पढ़ने जाती है ना, वो स्कूल में रहने तो नहीं जाती ना भाई। जिसकी बिल्डिंग है, जिसका ये व्यापार है, वो खर्चा करे, अपन लोग काय को खर्चा करें? फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे हमारे घर में, खुदा न खास्ता मेरे मुंह में खाक हो, कि हमारे घर में कोई मेहमान आता है, इन्हें चाय बिस्किट खाता है, तो क्या अपन उससे बाद में सर्विस चार्ज मांगेंगे क्या? मांगेंगे क्या? नहीं। हाँ, अगर वो खुद ही से देना चाहे तो अपन लोग इनकार नहीं करेंगे। पापा, स्कूल वालों को कौन समझाए? मैं, जकरिया सुलेमान राजू का पप्पा बकलम खुद जाके स्कूल वालों को समझाएगा कि भाइयों, ये अमीरों के चोचने, सिक्योरिटी विक्योरिटी, भाई हमें सिक्योरिटी का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जिसको प्रॉब्लम्स है वो खर्चा करे। स्कूल वाले आपकी बात नहीं मानी तो कैसे नहीं मानेंगे मेरी? अगर वो मेरी बात नहीं मानेंगे तो मैं उनको कह दूंगा कि भाई मेरे को नहीं चाहिए सिक्योरिटी, मेरे बच्चों को वाले से बाहर पढ़ाओ। इसमें तो बहुत ज्यादा खर्चा होगा पापा। कैसे पप्पू, कैसे? देखिए ना पापा, टीचर का अलग खर्चा होगा और फिर चेयर, टेबल, व्हाइट बोर्ड, इसका भी तो खर्चा है। ये मिंजा मोला पप्पू, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। साफ बात, मेरे बच्चे, तू कितने अच्छे अच्छे आइडिया लेके आते है, मेरे को बचा लिया, मेरे रोकड़ा खर्चों से बचा लिया इसने। वैसे तो पप्पा, मैं आपका और भी खर्चा बचा सकता हूँ। कैसे पप्पू, कैसे? देखिए ना पप्पा, अगर हम स्कूल की फीस लेकर नहीं जाएंगे तो स्कूल वाले हमें स्कूल से बाहर निकाल देंगे और फिर आने जाने का आपका खर्चा होगा, और वैसे भी आपका मूड नहीं लग रहा फीस देने का। बरोबर बरोबर। तो फिर पापा, आज आप हमारी स्कूल की छुट्टी करा दें। ये! एक मिनट, वैसे तो तुम लोगों की छुट्टी में मेरा दोस्त है, लेकिन ये जो होशियारी स्कूल वाले दिखा रहे हैं ना, इनसे जाके मेरे को दूबदू बात करनी पड़ेगी। ए भाई, ये काय की सिक्योरिटी फीस है कि नहीं? तो ये लफड़ा हल करके मैं आऊंगा। तो ले आ जा तुम लोगों की छुट्टी। सुबह सुबह तो सुलेमान के आने का आश्रय भी नहीं होता। आवारा हूँ, क्या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ, गिर्द 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 था। ये आवारे तो जाके किसी गर्ल कॉलेज के आगे खड़ा हो तारा तारी कर। कै को जाऊँ मैं वहाँ पे? मेरी कॉलेज गर्ल, मेरी ड्रीम गर्ल, मेरी ब्यूटीफुल गर्ल, सारी गर्ल तू तो है जुम्बी। शाबाश, मिस के आने का टाइम है, अभी फुटो इधर से फिर आना। जा रहा हूँ, इतनी उतावली काय को हो रही है? एक बात बताए, एक घर में शोर काय को हो रहा है? बच्चे स्कूल जाने को रेडी हो रहे हैं। तेरे को याद होगा जब अपना जक्कू जाता था स्कूल में, लगता था घर में कोई यही नहीं, सन्नाटा हो जाता था। जब जक्कू स्कूल चला जाता था ना, तो फिर शोर स्टार्ट होता था। उसके जाते ही तू मेरे को बुलाती थी, हाथ में झाड़ू देके झाड़ू दिलवाती थी, पोंछा दिलवाती थी, घर के जाले साफ करवाती थी, सिल भट्टे पे मेरे से तू मसाले पिसवाती थी। मेरे को याद है वो जरा, तेरे को याद हो के ना याद हो? अभी तेरी माँ और तू सुकून में हो ना? ये अल्लाह का बड़ा करम है, सुकून है, ऐसी ठंडक में रहते हैं हम लोग, मजा आती है ईमान से। तू फिर इधर आटा लेने आता है? नहीं, बदला किससे? ये तेरे से। जब मैं यहाँ था तो मेरे को तंग करने की तेरी बारी थी, अब मैं वहां चला गया, अब मेरी तेरे को तंग करने की बारी है,
समझी? इससे पहले तेरी मार खाने की बारी है, उठाओ ना जूता। लातों के भूत कभी बातों से नहीं मानते। ये जुबी लाख जूती दिखाए, सर झुकाना पड़ेगा, बनके दुल्हन मेरे साथ ऊपर जाना पड़ेगा। ये अल्लाह मैं क्या करूँ, कितने सुराखों में आटा डालूँ। ये कलसुम ने जो है आटे में बहुत ज्यादा सोडा डाल देती है, फूल के निकल जाता था। ये मिंजा मोला इतना ज्यादा नाश्ता। सुना प्लीज मेरे को बताइए, मैं नाश्ता खाऊं तो प्रॉब्लम, मैं नाश्ता सजाऊं तो प्रॉब्लम, आखिर आप चाहती क्या है? ये कल सुमड़ी मैं ये चाहती हूँ कि दिन का 3 टाइम का खाना, हफ्ते का 7 दिन का खाना और महीने के 30 दिन का खाना तू इसी तरह रख और उसको सूंघती रहे। इस तरह हमारा रोकड़ा भी बचेगा, नहीं हमारा राशन भी। सासू माँ आपको बताते हुए मेरे को बहुत अफसोस हो रहा है कि ये नाश्ता जो है ना ये मैं खाऊंगी, जकरिया का इंतजार करे ले। मेरा जक्कू इतना कमजोर हो गया है ना। कमजोर नहीं, इतना नाश्ता फोड़ने के बाद भी अगर कमजोर है ना तो इसका एक ही मतलब हो सकता है कि उसके बड़े से पेट में ना एक बड़ी सी सासू माँ, मेरा मतलब है कीड़ा होएगा। पता नहीं मेरा जक्कू कितना खाता होएगा। गरीब लोगों के नाम पे फंड जमा करके अपने पेटों में डालते हैं लोग, दो जग भरते हैं अपनी। सासू माँ प्लीज मेरे दिमाग की लस्सी बनाने की जरूरत नहीं है, और अगर लस्सी पीने का इतना ही शौक है तो बाजार से दही मंगवा के उसकी लस्सी बनाए, पिए और सो जाए। ए कलसुमड़ी तू चाहती है मैं सो जाऊं और मैं सो जाऊं और तू एस करे, ऐसा मैं उन्हें नहीं दूंगी। मैं ये होने नहीं दूंगी। एक बात मत बोलना, मैं जाकू की माँ हूँ। पता है पता है पता है, तो फिर जल्दी से नाश्ता दिला करना है। सासू माँ अगर आपको नाश्ता करने का इतना ही शौक है तो जैसे मैं अपने शौहर का वेट कर ले रही हूँ ना, इसी तरह चक्कू के पप्पा भी ऊपर आपका वेट कर ले नाश्ते पे, बल्कि 3 वक्त के खाने में वेट कर ले। प्लीज जाइए उनको कंपनी दीजिए और मेरा दिमाग खाली करें अभी आप। चक्कू ये बात, ये आजकल शहर में क्या हो गया है कि लोग घर से बाहर ही नहीं निकलते? बॉस आपकी दहशत है। ये दहशत है या बदबू कि लोग ना दरवाजे से बाहर आ रहे ना खिड़की से बाहर आ रहे? अरे बॉस वो देखे शिकार आ रहा है, जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करें। ए चीकू वो तो फटफट पे आ रहा है, हमें क्या देगा? ए मजा मोला इसको क्या हो गया? अरे बॉस ये मत बोले, हमारी गाड़ी भी किराए की है। हमें पैसे लेने देने नहीं है। हाँ बॉस बॉस वो देखे पंची खुली, अब तो जाल में फंस गया है। गुप चीकू कुदरत जब हमारा साथ दे रही है तो हमें शुक्र अदा करना चाहिए। हाँ और हमारे पेट्रोल के पैसे भी बच जाएंगे। पेट्रोल के पैसे बचाने नहीं है, हमें देने हैं। ठीक है। ये मिंजा मोला इसको भी अभी खराब होना था क्या? भाई साहब ये आपके वेस्पा की क्या कीमत होगी? बात भाई वेस्पा की कीमत नहीं पूछनी है, हमें पैसे देने हैं देनी नहीं। अरे बॉस आसामी का भी तो कुछ पता चले। वेरी क्लेवर वेरी क्लेवर। ए भाई आपस में बातें करोगे या मेरे से भी कोई बात करेगा? तू क्या पूछ रहा था? हाँ ये थोड़ी सी पुरानी जरूर है लेकिन एंटीक पीस है और है पूरे शहर में सिर्फ जकरिया सुलेमान के पास। अरे चीजें बहुत कीमती होगी ना? अपन हल्का माल तो रखते ही नहीं है, कीमती चीजें भरी पड़ी है मेरे पास। और ये इसको तो मैंने एकदम शहजादी की तरह रखा है, शहजादी की तरह। एक्सक्यूज मी वैसे आपकी शहजादी कुछ नखरे कर रही है। भाई जाहिर है शहजादी है तो थोड़े नखरे तो दिखाएगी ना, है कि नहीं? अरे बॉस हम आपकी कुछ हेल्प कर दे? हाँ क्यों नहीं कर सकते, अगर आपका कोई मैकेनिक जानने वाला है तो आप मेरे को ले चलो, फोकट में ये ठीक हो जाएगी तो उससे खुशी की ज्यादा बात क्या है। इस इलाके में सारे भाई साहब हमारे अपने हैं। तो फिर नेकी और पूछ पूछ चल रस्सी निकाल। अरे बॉस अरे बॉस बॉस ये तो खुद ही अगवा होने के लिए तैयार है। बेवकूफ ए मिंजा मुला एक तो ये लोग कॉर्नर मीटिंग बहुत कर रहे हैं। ये अगवा नहीं हो रहा बल्कि कह रहा है कि मेरी पटपटी को रस्सी बांध करके टो करके मैकेनिक के पास ले जाओ। अच्छा। ए भाई तुम लोग अपनी बातों में लग के मेरा उधर टाइम क्यों जाया करो, अगर प्रोग्राम कैंसिल हो गया मेरे को बता दो, मैं खुद ही निकलता हूँ फिर। कुछ बातें सीक्रेट भी होती है, मैं सीक्रेट बात करने चला था। मेरा असिस्टेंट आपकी गाड़ी को टो करके मैकेनिक के पास ले जाएगा।
एक्सक्यूज मी, आप मेरे साथ मेरी गाड़ी में बैठ जाएं। ए भाई, मैं सिकल से आपको जरूर लग रहा हूँ, लेकिन ऐसा हो नहीं। अगर ये मेरी गाड़ी को लेकर रफू चक्कर हो गया तो फिर कौन पकड़ेगा इसको? ऐसा हरगिज नहीं होगा। देखो, रस्सी निकालो, मेरी आंखों के सामने इसको बांधो, ने बराबर में टो करते करते फिर चलो। हाँ हाँ, अभी 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 ले आकर रखी, अभी बांध देंगे, अभी बांध देंगे। भाई इतना मत अकड़, टूट जाएगा खामखा। अरे क्या करो, क्या वो रस्सी तो नहीं है, शलवार का नारा ले आऊं? बैठ ले ले। लगता है कि स्कूल वालों को समझाने में थोड़ा सा टाइम लग गया है। पहले पप्पा ने स्कूल वालों को समझाएगा, फिर स्कूल वाले पप्पा को समझाया होगा। और मैं ये भी बता दूं कि इन दोनों कामों का कोई नतीजा ही नहीं निकलेगा। वैसे मेरे जहन में एक आइडिया है, जिससे हमारी सिक्योरिटी भी हो जाएगी और पप्पा का खर्चा भी बच जाएगा। हाँ भाई, पप्पा मेरे साथ रोजाना स्कूल चला करें और बारी बारी मेरी क्लासेस में बैठ जाया करें। इससे पापा खर्चा भी बचेगा और हमारी सिक्योरिटी भी हो जाएगी। ए मिला बोला। वैसे मेरे जहन में एक और आइडिया आया, जिससे पापा पैसे कमा सकते हैं। हाँ भाई, अगर पापा हमारे स्कूल में चौकीदार की नौकरी कर ले तो हमें सिक्योरिटी मिल जाएगी, पैसे ही बच जाएंगे और पापा को तनख्वाह भी मिल जाएगी। कितने आदमी थे? क्या मतलब? ए भाई, तुम लोगों ने मेरे को ऐसे बांधा है, ऐसे ही लग रहा है जैसे तुम लोग गब्बर हो और मैं बसंती। अरे बकवास बंद कर। ए भाई चुप करके बैठना, मेरे को उठाया काय को तुम लोगों ने? तुम्हारे सारे बच्चे मेरे कब्जे में हैं। हे मियामला, सारे के सारे? हाँ। तो फिर 3-4 दिन उनको अपने पास ही रख। कितने आदमी थे? क्या मतलब? ए भाई, तुम लोगों ने मेरे को ऐसे बांधा है, ऐसे ही लग रहा है जैसे तुम लोग गब्बर हो और मैं बसंती। अरे बकवास बंद कर। ए भाई चुप करके बैठना, मेरे को उठाया काय को तुम लोगों ने? किधर है तुम लोगों का वर्षा, ने किधर है तुम लोगों का मैकेनिक? ये रहा वर्षा और ये रहा मैकेनिक। ए मैकेनिक भाई, आपको मेरी बसंती को रस्सी बांधनी थी, मेरे को बांध के बिठा दिया। चलिए, हमने तुझे अगवा किया है। ये गाड़ी ठीक करने के लिए, गाड़ी के मालिक को अगवा करना जरूरी है क्या? बेटा ये रस्सी वैसा ठीक करने के लिए नहीं थी, तुझसे जावन वसूल करने के लिए थी। ए चलिया, हाथ बांध के रखोगे, पैसे कैसे दूंगा? वेरी गुड। अबे बेवकूफ, पैसे तूने नहीं तेरे घर वालों ने देने हैं। ए कसम से, तुम लोग बहुत बड़े नालायक हो। वो कैसे? वो ऐसे है कि बेटे को अगवा करोगे तो बाप तावान देगा। ए मेरा बाप तो कब का ऊपर चला गया, वो पैसे कैसे देगा? पैसे तो मेरे को देने पड़ेंगे ना। वेरी गुड, दे पैसे। ए भाई तू क्या हो गया है, तेरे को पता नहीं कराची के हालात कैसे हैं? मैं पैसे कैसे दे दूं, ऐसे जेब में लेके थोड़ी घूमता हूँ मैं। तू एक काम कर, तू घर पे फोन कर, उनको कह दे चेक बुक ला के दे दे, हम कल चेक जमा करा लेंगे बस। ए हम लोग चरिया नहीं है जो बैंक में पैसे लगे, इतना सारा टैक्स लगा देते हैं वो लोग। तो फिर भाई एक काम कर, कैश दे दे। पैसे कैसे दे दूं, पहले मेरे को छोड़ तो सही। भाई तो घर फोन का। तेरे को क्या बताऊं भाई, कैसे नेफों में ने जुराबों में पैसे छुपा छुपा के रखे। अभी आपका तो एक दफा का है ना, पैसे दिए खत्म, लेकिन घर वालों को मेरी जगह पता लग गई तो जिंदगी भर कैसे पैसे छुपाऊंगा? तगड़ा रिस्क में नहीं ले सकता। तो फिर भाई तू ही पेमेंट का तरीका बता दे। हाँ ये अंकल ने अच्छी बात, अंकल मेरा मतलब है कि आपने अच्छी बात की है, ऐसे तो मैं नहीं बताऊंगा, पहले मेरे को खोलो, ने कुछ खिलाओ पिलाओ, तब मैं आपको बताऊंगा पैसे कैसे देने आपको। आजा भाई। एक प्रेम कहानी सबको सुनानी। जाकू सुबह से किधर गायब था? माँ मैं बच्चों के स्कूल जा रहा था। वहाँ मसरूफ होएगा ना तू? नहीं माँ, मैं जा रहा था तो रास्ते में बसंती खराब हो गई। हाय, तो फिर तू मैकेनिक के पास चला गया होगा। नहीं माँ, फिर रास्ते में मेरे को दो आदमी मिले, उन्होंने मेरे को लिफ्ट दी। बसंती पे? नहीं अपनी गाड़ी में। माँ ये मिंजा बोला कितना किराया था? किराया नहीं माँ, उन्होंने मेरे से तावान मांग लिया, तावान। ये मिंजा बोला तावान क्या? हाँ माँ तावान, उन्होंने मेरे को अगवा कर लिया था, किडनैप।
पैसों का बंदोबस्त कर जल्दी। ए भाई पैसों का कैसे बंदोबस्त करूं, मैं तो खुद सारा दिन ये सोचता रहता हूं कि पैसे में कहां से कमाऊं। क्या मतलब तेरा? मतलब ये कि भाई मैं बहुत गरीब आदमी हूं, आप लोगों ने गलत आदमी को उठा लिया। तो फिर तूने हमसे झूठ बोला? कितने पैसे दे के छूटा तू? माँ मैं भी आप ही का छोकरा हूँ, पैसे दे के नहीं बल्कि 100 रुपया लेके आ रहा हूँ। 100 रुपए इसको दे दे। वो भी हम दे इसको। तो कौन देगा भाई? अगवा भी हो तुम लोगों ने किया मेरे को। शाबाश शाबाश, तूने मुझे अपना छोकरा होने का हक अदा कर दिया। ये बता कि अब बसंती में जो पेट्रोल उन्होंने डलाया थोड़ा सा बच गया पॉकेट में? हाँ माँ क्यों? वो मेरा दिल चाह रहा था, मौसम भी बहुत अच्छा है, मैं भी जाके समंदर के किनारे एंजॉयिंग करूँ। माँ अगर आपको बहुत ज्यादा पानी एंजॉय करना है ना तो छत की टंकी पे चली जाओ, वहाँ पे देखो और एंजॉय करो। खामखा मेरा पेट्रोल क्यों जाया कर रही हो आप? यही बाड़ी बोलती ना, फौरन उसको गवादर तक ले जाता और मस्का बंद भी खिलाता। माँ ने बोले ना मात करो तो कुछ नहीं, माँ तो बहुत सारी मिल जाती। बॉस वो देखे, 1, 7, 1, 2, 3, 4, 5 असामियां बॉस। चीकू, इसका मतलब ये हुआ कि हमें 5 तावान मिलेंगे। आओ फिर डाना डालते। चल बॉस चलो। बच्चों तुम लोगों की टीम का कप्तान कौन है? वैसे तो हम सभी कैप्टन हैं, लेकिन इस टीम का मैनेजर मैं हूँ। तो मैनेजर साहब, जिस तरह आपकी टीम है इस तरह हमारी भी घर पर टीम है, क्या आप हमारे साथ मुकाबला करोगे, गेम खेलोगे? हाँ भाई, ये क्या करें? खेलते हैं। ठीक है, लेकिन मैच किधर है? इधर पास में जाने, हम तुमको पिक एंड ड्रॉप दे देंगे। उसका तो कोई फायदा नहीं। ये बताएं मैच की फीस कितनी है? 500 रुपए। सिर्फ 500? सॉरी, इसका तो कोई फायदा नहीं। आजा बच्चे खेलते हैं। अरे बॉस, हमने कौन से दिन है? पैसे बढ़ाए। I do it this program. Okay, मैनेजर चलाओ। 5,000 रुपए। 5,000? बॉस औकात में रह के बढ़ाए। देने कौन से है, बोल नहीं देना। सही, सॉरी। डन है। डन। अरे एक मिनट, मैं अपने मम्मा पापा को बता दूं। नहीं, मम्मा पापा को गेम में नहीं बुलाते। बस आप फौरन चलो, पिक एंड ड्रॉप हमारी तरफ से है। पिक एंड ड्रॉप और खाना आपकी तरफ से। डन डन डन। प्रेम कहानी सबको सुनानी, दिल थाम के बैठो ना कर मनमानी। ये कौन सुबह सुबह अपना बिजनेस खर्च कर रहा है? हेलो, तुम्हारा लड़का हमारे कब्जे में है। कोई बात नहीं, मेरी माँ भी अक्सर यही कहती है कि मेरा छोकरा शादी के बाद अपनी भाईड़ी के कब्जे में आ गया है। तुमने तो शादी की ही, हमने तुम्हारे लड़के को अगवा किया है। क्या? अच्छा चल, पैसों के लिए बाद में फोन करियो। हेलो, बंद कर दिया उसने फोन मेरा। उन्हें भाई। हेलो, कौन? तुम्हारा लड़का मेरे कब्जे में है। ए भाई, तेरे पास कोई नया डायलॉग नहीं है क्या? चल फिर अपन भी पुराना वाला दोहराते हैं। पैसों के लिए बाद में फोन करना। फिर बंद कर दिया। ये लहजा तो कुछ जाना पहचाना लग रहा है। चीकू जी बस, इनके माँ बाप को तो इनकी फिक्र ही नहीं है। ए भैया, मतलब फिर इसका फोन आ गया यार, क्या मुसीबत है। हेलो, तुम्हारा लड़का हमारे कब्जे में है। ए मिंजा, तू बार बार एक ही बात बताने के लिए मेरे को क्यों फोन कर रहा है? इतने फोन कर लिए, मैं एक सीढ़ी चक्कर कंप्लीट हुआ, तेरा तीसरा फोन आ गया। इतना मुफ्त का बैलेंस है क्या? अरे हमने तेरी औलाद को गगवा कर लिया है। तो फिर पैसों के लिए थोड़ी देर बाद फोन करना। चल शाबाश बॉस। इन बच्चों के बापों को तो इनकी बिल्कुल परवाह नहीं है। अरे अंकल, बापों को नहीं, बाप को। बाप को? क्योंकि अगर बहन भाई है। हेलो, तू बार बार मेरे को फोन क्यों कर रहा है? तुम्हारे सारे बच्चे मेरे कब्जे में हैं। हे मियां मौला, सारे के सारे? हाँ।
तो फिर तीन चार दिन उनको अपने पास ही रख। पैसों के लिए बाद में फोन कीजिएगा, फकत आपका दोस्त जकरिया। ए बच्चों की टेंशन बिल्कुल नहीं है, हमारे बच्चे तीन चार दिन के लिए अगवा हो गए। बोले नहीं बोले, मैं जरूर बोलूंगी, तू बाज आ जा। कलसुमड़ी, ए कलसुमड़ी। जी सासू माँ। तेरे को बच्चों का कोई ख्याल है? ख्याल है ना, तभी तो जक्कू जुगाड़ कर ले पैसों की। पैसों का जुगाड़ काय को? कि आपको पता नहीं, अपन लोग के बच्चे तीन चार दिन के लिए अगवा हो गए ना। अगवा हो गए जक्कू? ए जक्कू। जी माँ, क्या हुआ? ये जक्कू, ये कलसुमड़ी बोलती सारे बच्चे अगवा हो गए? बिल्कुल ठीक बोलती है माँ। क्यों, आज अगवा बनाए तवान का आलमी दिन है, सुबह तू अगवा हुआ, शाम को बच्चे। ए जक्कू, आपने मेरे को बताया नहीं कि आप अगवा हो गए थे? अगर आपको मालूम पड़ जाता कितने पैसे देने, तो क्या पेमेंट आप करती? नहीं, पेमेंट तो नहीं करती, पर मैं कम अज कम ये तो अंदाजा लगा रही थी कि आपके खीसे से कितना माल निकला उनको पेमेंट करने को। ए जक्कू, अगलों ने बच्चों के बदले में कितना माल मांगा? मैं अभी तक उन्होंने यही बोला है कि बच्चे उनके कब्जे में, अभी तक ये नहीं बताया कि उनको रोकड़ा कितना चाहिए। पैसे माँ, एक सवाल आ रहा था दिमाग में, अगर इजाजत दो तो पूछ लूँ। आप पूछो। अगर वो पैसों का बताएंगे तो पेमेंट तो आप करोगी ना माँ? ये मैं पैसों की बात इसलिए कर रही हूँ कि जब वो पैसे मांगे ना, तो कोई अपना बिजनेस भी करने लग जाना, कोई रिप्लेसमेंट के चक्कर में मत रहना, समझे? माँ किसी बातें कर रही हो, आपको पता ना फिर मैं आप ही का ठोकरा हूँ। मेरे को जब उन लोगों ने अगवा किया था ना, तो मैं उल्टा उनसे 100 रुपए लेके इधर तक पहुँचा था माँ। अब आप खुद सोचो, वो तो फिर मेरी औलाद है, कम अज कम 1000 तो लेंगे उनसे। जक्कू जैसे छोकरे हो तो मास्टरा ठीक हो जाए, कोई अगवा भी नहीं हो। ये बात तो बिल्कुल सच है। तुमो जुगो जुगो जियो महाराज रे, हम तेरी नगरिया में आए, हम तेरी नगरिया में। गिर्द गिर्द गिर्दा। ए सुलेमान, क्या छत के सुराख ढीले कि तू थोड़ी थोड़ी देर के बाद टपक जाता है? ये जो भी ऐसी बात नहीं है, ये बड़े बुरे बोलते हैं कि दिल को दिल से राह होती है। ए जो भी, जब तू मेरे को यहाँ याद करती है ना, तो वहाँ मेरे दिल में कुछ कुछ होता है। और तू एकदम से बेहोश होके गिर पड़ता है ना? कहे को तेरे दिल में इतनी बेड फीलिंग आ रही नहीं है, तेरे कोई परेशानी है क्या? हाँ सुलेमान, हाँ, जक्कू के सारे बच्चे अगवा हो गए। ये मिंजा बोला, ये तो रोकड़ा आ गया खर्चा सर पे। हाँ, अगवा भरा है तावान। दिस इज जक्कू प्रॉब्लम, आई एम नॉट माई। तो फिर तेरे को क्या टेंशन है? ये जक्कू और उसकी भाड़ी को बच्चों की कोई परेशानी नहीं है। बरोबर बरोबर, फिर तो तेरे को टेंशन लेने का हक बनता है। हाँ ना, मेरे को ये परेशानी नहीं है कि जक्कू और उसकी भाई को बच्चों की परेशानी नहीं है। अरे तो फिर मेरे को सही सही बताते क्यों नहीं है कि तेरे को क्या परेशानी है? मैं इसलिए परेशान हूँ कि वो दोनों इतना एंजॉय करे ले कि जक्कू उसको भाई को घुमाने नहीं ले जाए। अच्छा, तो ये तेरी परेशानी है? हाँ, तू नहीं समझेगा क्योंकि तू सास थोड़ी है। नहीं नहीं जुबी, मैं तेरे हाइट की फीलिंग समझ रहा हूँ। देख, एक मेरा मशवरा है। हाँ बोल। तू जक्कू अने इसकी बाईड़ी के साथ हिसाब करना। वो किसे? जक्कू अपनी बाईड़ी को फिराने के लिए जाएगा ना, वो बसंती के ऊपर है,
तो तू मेरे साथ चल, मैं भी तेरे को ऊपर लेके जाऊंगा फिराने के लिए। अरे वो तो यहाँ जमीन पे फिरेगा, मैं तो तेरे को बादलों की शेयर कराऊंगा, नीले नीले बादल, ऐसा मजा आएगा आसमान के ऊपर। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, बीत गए जिंदगन कब आएगी तू, चलिया मर के चलिया चलिया जुब चल। मौला जूती की चप्पल तक तो पहुंच नहीं सकती, दो तीन तपा के दे दू ना पीछे से, फिर कभी नहीं आएगा बादलों का बच्चा ना हो तो। अपन पूरा प्रोसीजर जो है ना वो फॉलो करेंगे। देखो पहले आप मेरे को अपने पैसे बताओगे, मैं फिर बार्गेनिंग करूंगा, फिर मैं आपको पैसे पहुंचाऊंगा, फिर आप मेरे को माल पहुंचाओगे। ओके ओके। ओ चचा हमारे पैसे तो दो। चचा बॉस ये आपके रिश्तेदार है? कौन से पैसे? अरे चाचा मैच की फीस भूल गए क्या? अरे कोई मैच वैच तो हुआ नहीं अभी, काहे के पैसे निकलो यहाँ से, चलो। ओए, 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 चुप करो खुदा के वास्ते। जिस हिसाब से ये शोर कर रहे हो, तुम लोग हंगामा कर रहे हो, तुम्हारे माँ बाप तो पागल हो जाते होंगे। अबे क्या हो गया, मम्मा पापा याद आ रहे हैं क्या? नहीं तो फिर भूख लगी है। अबे तुम्हें खाना याद आ रहा है लेकिन घर याद नहीं आ रहा। अंकल घर याद आ जाए तो स्कूल याद आ जाए, स्कूल याद आ जाए तो घर भूल जाते। बस मैं आपको बता रहा हूँ ये सब हमको पागल करके छोड़ेंगे। बच्चा ये तेरी ही तो दरियाफ्त थी, अब मुझसे शिकवा कर रहा है। बॉस मुझे डांटने के बजाय अगर हम इनके बाप को फोन कर लेना तो हम दोनों के लिए भला होगा। बात तो तेरी बिल्कुल सही है, हमने अब तक पैसों का तकाजा तो किया ही नहीं है। मैं करता हूँ फोन। उनसे कोई खाकर खाने भी नहीं देता। हेलो कौन? मैं बोल रहा हूँ। जाहिर है भाई आप ही बोल रहे होगे। अब मेरे पास इतना फालतू पैसा थोड़ी है कि मैं अपने आप को खुद फोन करके अपने आप से बातें करूँ। तो फिर तुमने क्या सोचा? हाँ मैंने सोचा ये जो कीनू में खारे लाऊ ना इसके बीज और छिलका फेंक दूँ, हालांकि पैसे मैंने छिलके और बीज के भी दिए। अबे होए बच्चों के बारे में क्या सोचा तूने? ये मेरी और मेरी वाइडी की ना प्राइवेट की बातें हैं, मैं तेरे को क्यों बताऊं? अबे साले ये जो बच्चे तेरे हैं ना मेरे पास है, उनके बारे में क्या सोचा तूने? अच्छा इनके बारे में? मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं अपने सारे के सारे बच्चे ना आपके पास छोड़ दूँ सिर्फ एक हफ्ते के लिए। अबे होए मैं तो एक घंटे बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ और तू एक हफ्ते की बात कर रहा है। तो फिर जैसे आप लेके गए हो ना वैसे ही छोड़ के जाओ। ए चंकू। अच्छा बात सुन भाई, मेरी बाइडी मेरे को आवाजें दे रही है, अब मैंने उसकी बात नहीं सुनी ना घर का माहौल खराब हो जाएगा, तू पैसों के लिए बाद में फोन करना। हाँ तू सही। अबे मुझे कह रहा है? मैं कह रहा हूँ कि अगर मेरे बच्चों ने तेरे को कुछ कर दिया ना इसके जिम्मेदार अपन लोग नहीं होंगे, क्या समझा? हेलो हेलो बंद कर दिया, मेरा फोन बंद कर दिया। क्या हुआ माँ, क्या सोच रही हो आप? बस दे खा ले थोड़ा सा, तू भी खा ले। पक्का माँ? हाँ पक्का पक्का, बल्कि तिलिस्मी पक्का। क्या बात है माँ, माँ इतना आपने मेरा ख्याल किया है माँ। बस एक बात मैं आपको बताऊँ। हाँ? माँ हाँ? जिसे आप मेरे को ये खाना खिला रही हो वैसे थोड़े नोट भी दे दो ना, ताकि मैं अपने बच्चों को अगवाकारों से छुड़ा के ला सकूँ। माँ थोड़े से पैसे दे दो माँ। जक्कू अगर मैं तेरे बच्चों को नोटे नहीं देती ना प्यार इतना करूंगी, और जब मैं प्यार इतना करूंगी तो वो घर से बाहर नहीं निकलेंगे, जब घर से बाहर नहीं निकलेंगे तो अगवा भी नहीं होंगे, इससे ज्यादा मैं और क्या दे सकती हूँ? कोई बात नहीं माँ, जितना आपने दिया है मैं उसी के साथ इंसाफ कर लेता हूँ। जा मेरा जक्कू अपनी जिंदगानी जी ले। किसका फोन था बॉस? मेरी बीवी का था, मुझे कह रही है कि जामा पे लेके जाओ। बताओ इतना बेइज्जती करती है, इतना दलील करती है। चिको तू शादी नहीं करना। हाँ बॉस आप ठीक कह रहे, ये औरतें होती ऐसी हैं। हाँ बॉस। हाँ आपकी बीवी मेरी बहन नहीं है? हाँ तू तो मेरा साला है, मैं भूल ही गया था। तुम लोगों ने खा लिया पेट भर गया भूखे के बच्चों। अरे बॉस इनसे ना पूछे, पिछली बार भी पूछा था तो उन्होंने मंगा लिया था, पांचवी बार भी मंगा लेंगे बॉस। अगर खिला नहीं सकते तो अगवा क्यों करते हो?
मेरे को एक बार इसके बाप से पैसे वसूल करने दो, फिर इनके तमाम बच्चों से एक एक पाई वसूल करूंगा। बॉस फोन निकाले, इनसे जान छुड़ाएं। जितनी चीजें मैं इनको ला के दे चुका हूँ, इतनी चीजें मैंने कभी अपने बच्चों से नहीं ला के दी है। तेरे बच्चों को तू तावान वसूल करेगा? अबे बेवकूफ, ये तो मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। अरे बॉस, जिस हिसाब से ये मखलूके खा रही है ना, मुझे इन्वेस्टमेंट डूबती नजर आ रही है। चुप कर, हर वक्त पर मनुष्यत्व वाली बात करता है, तभी तो मेरा धंधा आज इतना चौपट है, वरना एक फोन पर टक 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 आते थे। सोना जैकी, क्यों न जानू जाकू डाली, आज तो आप एकदम मसाला मसाला झकास लग रही है। थिंक्स थिंक्स, तू चले बंज रोड नली निहारी कहानी। हाँ वाए, एक मिनट, ये फोन पता नहीं किसका आ रहा है। ए मिंजा बोला, एक तो जिन लोगों को पैसे लेने होते हैं वो लोग बहुत फोन करते हैं। हेलो कौन? ओ भाई, बार बार मैं ही तुझे फोन कर रहा हूँ, बच्चे तेरे हैं और तुझे बिल्कुल फिक्र नहीं है। ए भाई, मेरे को तो खुद बहुत फिक्र है कि मैं एक हफ्ता अपने बच्चों के बगैर कैसे गुजारा करूंगा, लेकिन खैर है, आपके पास है ना किसी तरह गुजारा मैं कर ही लूंगा। ओ भाई, अरे सुन यार, तू अपने बच्चे ले जा, मुझे पैसे भी नहीं चाहिए। ऐसे कैसे मेरे भाई, अपन पूरा प्रोसीजर जो है ना वो फॉलो करेंगे। देखो, पहले आप मेरे को अपने पैसे बताओगे, मैं फिर बार्गेनिंग करूंगा, फिर मैं आपको पैसे पहुँचाऊंगा, फिर आप मेरे को माल पहुँचाओगे। ओके ओके, फिर यूं ही सही, यूं ही सही। वेरी गुड, शाबाश। तो आप पैसों के लिए ना बाद में कॉल करना। ओके बाय। अबे फिर उसने फोन काट दिया। हाँ तो कुलसुम, अपन किधर थे? नहीं, वो मैं कह रही थी कि नली निहारी खाती ना आज भंज रोड से, उधर से दूध की बोतल भी। रुक जा यार, ये रुमाल करने ही नहीं दे रहा। ए भाई, तेरा प्रॉब्लम क्या है? मैंने जब तेरे को बोला कि पैसों के लिए बाद में फोन करा, तो क्यों घड़ी घड़ी फोन कर रहा है? भाई, तू अपना माल वसूल कर ले, हमें पैसे नहीं चाहिए। हमारी तौबा, ये ही ना बात, ने अब अच्छे बच्चों की तरह यहाँ से सामान उठाया है ना, वहीं पे होम डिलीवरी करा। हाँ, वो भी कर दूंगा, लेकिन तू वादा कर, पुलिस को मुखबरी नहीं करेगा। ए मेरे को पागल समझाया गया? तेरे से जो पैसे बचे हैं वो पुलिस को देके खामा खा मैं अपना रोकड़ा काय को जाया करूं? तू आ जा जल्दी से शाबाश। ओके बाय। ओके ओके। ने कुलसुम ली, आपने देखी अपने जकरिया की होशियारी? मैं कह रही हूँ, दो चार दिन रहने देते बच्चों को उधर। ए भाई, दो चार दिन रहने देता, लेकिन तू कुछ तो सोच, डाकू भी बेचारे इंसान होते हैं। अपन के दोपहर का खाना तो बच गया ना। जिंगल बेल, जिंगल बेल, जिंगल ऑल द वे। बॉस, डील हो गई है? हाँ, डील हो गई। इन सबको खोल दे और मुझे और अपने आप को बांध दे। ठीक है बॉस। बॉस, कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपकी तबीयत तो ठीक है? मेरी तबीयत तो ठीक है, लेकिन मेरा दिमाग खराब है। बॉस, आपके पास तो दिमाग है ही। मैं कहता हूँ इनको खोल दे, इनको खोल दे जल्दी। ओए ओए, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। जब मैं तुम्हें खोल रहा हूँ तो फिर क्यों रो रहे हो? ये क्यों कर रहे हो? हमें कल से फिर से स्कूल जाना पड़ेगा। अरे तुम मेरी तरफ से कल से जहन्नम में जाओ। तुम यहाँ से मेरा घर छोड़ो, खुदा के वास्ते यहाँ से जाओ। ओ चाचा, हमारे पैसे तो दो। चाचा, बॉस ये आपके रिश्तेदार है? चुप। कौन से पैसे? अरे चाचा, मैच के पैसे भूल गए क्या? अरे कोई मैच पैसे तो हुआ नहीं, अभी काय के पैसे, निकलो यहाँ से, चलो। तो क्या हुआ, हमने अपना पूरा टाइम तो दिया है ना। चलो चाचा, सब पैसे निकालो, वरना नहीं पे धंधा देना शुरू कर देंगे। चिकू जी बॉस, इनको पैसे दे दो, वरना तुम्हारे कान के नीचे दो चार पाँच चपेट लगाऊंगा। बोल दे इनको। बच्चो, ये तुम्हारा घर है। चीकू जी बॉस, शुक्र है सस्ते में जान छूट गई, वरना वो कंजूस हमसे और पैसे लेता। को तो मैं छोड़ूंगा नहीं बॉस। अंकल, अंदर नहीं, नहीं, नहीं। अगर मैं अंदर आया और तुम लोगों ने मुझे चाय पिलाई तो तुम्हारा बाप उसके भी पैसे ले लेगा। चीकू
ये 100% उसी की औलाद है। बहुत खतरनाक है। जाओ अंदर, अंदर जाओ, अंदर जाओ। चिकू जल्दी निकल, ये तो उसी की औलाद है, बिल्कुल उसी की औलाद है। जल्दी चल, जल्दी चल, भाग इधर से। बच्चे भी क्या होते हैं ना जकरिया साहब, अभी बच्चे हैं नहीं घर में, कितना सुकून है आप बताइए। एकदम सुबह से लेकर रात तक सोने तक कोई टेंशन ही नहीं है। नहीं तो और वक्त मामा मामा पापा पापा मैं तो मेरे से तो मिलो, मेरे बच्चे आ जाओ मेरे पास, मेरे पास मेरे बच्चे आ गए, मेरे बच्चे आ गए। मेरे बच्चों तुम लोग कुछ कहा तो नहीं उन लोगों ने? नहीं मम्मा, बल्कि वो तो घर से ज्यादा हमारा ख्याल रख रहे थे। क्या क्या? हाँ मम्मा, उन्होंने तो हमें पैसे भी दिए। क्या जक्कू, तेरे पास डाकू का नंबर है? अरे ये तो बड़ा ही अच्छा आइडिया है जक्कू। मैं तो कहती हूँ सासू माँ को पार्सल कर दो। अभी अगर बच्चों को इतने पैसे मिले तो सासू माँ को सोचो कितने पैसे मिलेंगे। एक कसुमड़ी तेरी तरह मैं लालची नहीं और दूसरों पे बोझ नहीं बनना चाहती। तो फिर माँ आप नंबर क्यों मांग रही हो? मैं चाहती हूँ कसुमड़ी को अगवा करे और हम तावान भी नहीं दे, वो ऐसा से कसुमड़ी को कर दे। क्या ए, शर्म तो आपको आती नहीं है सासू माँ, आपके लिए तो बेहतर ये था कि वो लोग अगवा करते, टुकड़े करके ना तेजाब में डाल देते। इतना प्रेम कहानी सबको सुनानी, दिल ताम के बैठो ना कर मनमानी। जकरिया कुलसुम की लव स्टोरी, जकरिया कुलसुम की लव स्टोरी, जकरिया कुलसुम की लव स्टोरी।